कर रहे होंगे, मेमोरी को डिटेल में कवर करेंगे और कुछ हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ मैंने आपको फुल फॉर्म एब्रिविएशन दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने, कॉपी में नोट्स बनाइए और ये एब्रिविएशन लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ अलग से चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा स्टैटिक पोर्शन भी आ रहा होता है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद करनी होंगी, लाइक फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट कीज़ हो गई, जो आपको याद करते हुए चलूँगी। वैसे अगर मैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर जो करा रही हूँ, आपको ये सारे एब्रिविएशन धीमे धीमे करके मिलते रहेंगे, लेकिन तब भी आपको नोट्स बना के एक प्रॉपर सीरीज़ में इनको एक बार रिवाइज ज़रूर करना होगा। बस पढ़ने का ज़रूरत है, अगर आपके पास चार ऑप्शंस होंगे तो आप ये लगा लेंगे, ठीक है। बी सी डी स्काई एच एल एल एच टी एम एल एम आई सी आर, एक बार इनको रीड करिए, पढ़िए, याद करिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा। ये मैंने कुछ कंट्रोल से रिलेटेड मैंने शॉर्टकट की ली हुई है, इनको आपको याद करना है। कंट्रोल बी जो लेटर को बोल्ड करता है, कंट्रोल सी जो कॉपी करने के काम आता है, कंट्रोल डी जो डिलीट करता है सिलेक्टेड आइटम को, कंट्रोल एफ फाइंड करने के काम आता है, कंट्रोल एच रिप्लेस के काम आता है, कंट्रोल आई टैलिक करने के काम आता है, कंट्रोल जेस जस्टिफाई अलाइनमेंट करता है, कंट्रोल के हमारी हाइपरलिंक को इंसर्ट कराता है, कंट्रोल एल क्या करता है लेफ्ट अलाइनमेंट करता है, कंट्रोल एन करता है न्यू फाइल को इंसर्ट करा, न्यू फाइल ओपन कराता है, नेक्स्ट कंट्रोल ओ से हम लोग अपनी सेव करी हुई जो हमने फाइल सेव की होंगी उन फाइल्स को हम लोग ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल पी से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं फाइल को, कंट्रोल क्यू से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल आर से क्या कर सकते हैं राइट अलाइनमेंट लगा सकते हैं। अभी हम लोग वर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि ओपन क्या है। अभी तो तुम लोग को लग रहा होगा अलाइनमेंट क्या, मैम क्या बता रही है उल्टा सीधा, तो अभी से आपको ये लर्न करते हुए चलना है, जिससे कि अगर हम आगे इन टॉपिक्स को छेड़ें, मतलब पढ़ें, तो आप समझ जाएं कि मैम ने ये तो फुल शॉर्टकट की कराया था, तो आपको तब क्या होगा आसानी पड़ेगी आपको काम करने में, क्योंकि आपको हर चीज़ का क्या पता होगा शॉर्टकट पता होगा। तो अभी से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं धीमे धीमे, अगर ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं, ओनली आप एक एक बार रीड करेंगे तो आपसे ये चीज़ें कवर होने लग जाएंगी। ओके, लास्ट कंट्रोल एस जिससे कि हम लोग फाइल को क्या करते हैं सेव करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग मेमोरी से। हम लोग का लास्ट क्लास में क्या हुआ था, प्राइमरी मेमोरी फिनिश हुआ था। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि हमारा रैम और रोम आता है, उसके बाद उसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब मेन मेमोरी की स्पीड क्या होती है, सीपीयू से बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम लोग मेन मेमोरी को यूटिलाइज करके काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे सिस्टम की भी मेमोरी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इस रीज़न की वजह से क्या करते हैं हम लोग, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या करते हैं कैश मेमोरी को ले आते हैं। ओके, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कैश मेमोरी को डिटेल में, कि कैश मेमोरी को लाते हैं तो ये कैसे काम करता है। ओके, तो अपन अब समझते हैं कैश मेमोरी को थोड़ा सा डिटेल में। ओके, जो कैश मेमोरी है हमारी वो क्या करती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी हुई होती है। जैसा कि आप जानते हो कि जो सीपीयू है वो क्या है एक तरह से, अभी मैंने अच्छा मेरा फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक रह रहा है मदरबोर्ड से रिलेटेड, मैं वो भी करा दूंगी। जो सीपीयू होता है उसमें एक मदरबोर्ड लगी होती है, ठीक है, जिसमें कि सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इस मदरबोर्ड में ही हमारा क्या होता है, रैम कनेक्टेड होता है, मतलब कि मेन मेमोरी कनेक्टेड होता है, और यही हमारा कैश कनेक्टेड होता है जो सीपीयू के प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब क्योंकि अगर सीपीयू के प्रोसेसर से ये चीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या ये सीपीयू के पास है, और सीपीयू की स्पीड क्या होती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, या GIPS जो कि 10^6 इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम पे कवर कर सकती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइक कि एक इंस्ट्रक्शन एक बार में जा रहा है, दो इंस्ट्रक्शंस दो बार में जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो रही है, इतना डिफरेंस आ रहा है, इतना डिफरेंस कवर करने की वजह से हमने क्या किया, मेन मेमोरी को लिया। तब भी क्या आ रहा था, मेन मेमोरी की स्पीड भी स्लो हो रही थी, इस रीज़न की वजह से हम कैश मेमोरी लेके आए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम जब कैश मेमोरी की इतनी ज़्यादा स्पीड है, इतना अच्छा काम करती है, तो हम लोग क्यों ज़रूरत होती है कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करें, या क्यों ज़रूरत होती है कि हम लोग रैम यूज़ करें, इन सब की क्या ज़रूरत है आखिर सेकेंडरी। अब जो हम लोग अगर बात करें मनी से रिलेटेड, तो जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब अगर चीज़ कॉस्टली होगी तो लोगों के लिए ऑब्वियसली बात है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कैश मेमोरी है वो अभी तक क्या बहुत ही कम इसकी रैम होती है, मतलब इसकी रैम हमारी जैसे MB4 अभी तक की सबसे ज़्यादा
4 MB तक की आई है कैश मेमोरी जो आई है। अब MB सोचो, अब हम लोग का डेटा तो कितना बड़ा होता है, TB टेराबाइट में कनेक्टेड होता है या बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है GB में TB में, तो हम लोग कैसे इतना सारा डेटा सेव करें। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग हाईएस्ट स्टोरेज कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज की इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉपर्टी होती है। कई सारी टाइप की हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में समझी थी। तो अभी ये सारी इतनी सारी सेकेंड स्टोरेज जो होता है वो सारा हमारा क्या सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब इसमें स्टोरेज की क्षमता तो है लेकिन इसमें क्या स्पीड बहुत कम है। अब स्पीड कम है और स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ों को हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बीच में हम लोग मेन मेमोरी का यूज़ करते हैं। मेन मेमोरी क्या करती है, इसमें क्या होता है कि हमारी स्पीड जो होती है थोड़ी सी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है स्टोरेज की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आप सिस्टम खरीदने जाते हो तो आपकी रैम या तो 4 GB की रैम हुई या आप 16 GB रैम कर लोगे या इससे ज़्यादा GBs में ही रैम रहती है। तो अगर अगर बहुत ज़्यादा आप सिस्टम बहुत ज़्यादा रैम कर लोगे तो वो भी आपका कॉस्टली हो जाएगा। आप मतलब अगर 4 GB का रैम खरीद रहे हो, आप लैपटॉप खरीद रहे हो, तो आपका 32 या 35 तक आपका 35K तक आपका जाता है। तो आप खुद ही सोचो इतना कॉस्टली हो रहा है। अगर आप 16 GB या 8 GB रैम खरीद रहे हो तो आपका 60,000 तक का लैपटॉप जाएगा या और उससे भी महंगा, या प्रोसेसर के वेस्ट पे भी ले रहे हो तो आपका और कॉस्टली चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, कॉस्ट में हमारी इंक्रीमेंट होती जाती है। तो ये रीज़न भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन मेमोरी होती है वो हम लोग मतलब अगर हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज हमारा उससे क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। तो हमारी जो क्षमता होती है मेमोरी की वो चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती हैं एक तरीके से। तो ये भी रीज़न रह गया। अब क्या हुआ, मेन मेमोरी की जो स्पीड थी वो अभी भी कम थी, मतलब CPU कहाँ MIPS में चल रहा है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा कम रख रहा है हमारी स्पीड। तो इस रीज़न की वजह से हम लोग कैश मेमोरी को लेके आए। अब कैश मेमोरी में क्या होता है, स्टोरेज क्षमता बहुत कम हो जाती है। स्टोरेज क्षमता कहने का मतलब नेग्लिजिबल समझ लो कि इसमें एकदम स्टोरेज हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब अगर चार अभी मैक्सिमम मैंने जैसा बताया आपका कि 4 MB तक अभी कैश मेमोरी आया, जो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मार्केट में आप इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। ओके, तो इस वजह से कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है। लेकिन अगर हम तीनों को बैलेंस करके लगा रहे हैं जिससे हमारी मेमोरी भी मतलब स्टोरेज क्षमता भी अच्छी हो जा रही है सिस्टम की और स्पीड भी अच्छी हो जा रही है, तो इसी वजह से हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं इस तरीके से बैलेंस करके रखते हैं। मतलब उसमें सेकेंडरी मेमोरी भी रहती है, मेन मेमोरी भी रहती है और कैश मेमोरी भी रहती है और CPU भी हमारा CPU से अच्छे से प्रोसेस कर लेता है। अब आप ये सोचोगे कि मैम अच्छा ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ गए कि मेमोरी में ये सारी चीज़ें हैं, ये रीज़न होते हैं हमारे कि हम लोग अच्छे से इसको क्या कर लें, स्टोरेज कर लें, स्पीड अच्छी कर लें, लेकिन ये प्रोसेस कैसे करता है, मतलब इसकी कार्य करने की क्या ऐसी चीज़ें रहती है कि ये कैश मेमोरी इतना कम डेटा रखता है और हम लोग क्या करते हैं अपने सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब कई सारे कार्य एक ही बार में करते हैं, तो कैसे हमारा CPU उन चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये जो मैनेजिंग का काम है वो हमारा किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अभी हम लोग लास्ट क्लास में मतलब जो अगली क्लास आएगी हमारी सेकेंड, तो उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है। लाइक अगर आपका क्या है कि आप कोई काम कर रहे हो सिस्टम में, तो आप क्या कर रहे हो कि कोई भी ऐसे काम कर रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड रुकना। सिस्टम में आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे बहुत सारा गाने बजा दिया आपने, मूवी भी देख रहे हो, यूट्यूब भी चला रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेड काम भी कर रहे हो, बीच में मन कर गया कुछ और करने का, तो बहुत सारा काम आप कर रहे होते हो सिस्टम में। तो उस टाइम पे क्या रहता है कि कई सारा काम हो रहा होता है। अब सारा काम अपन को देखने में क्या लग रहा है कि CPU सब पे प्रोसेस कर रहा है, ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है, जैसे प्रोसेस P1 P2 P3 कई सारी प्रोसेस हैं आपकी जो क्या रहती है हमारी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब कई सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, अब इसमें कई सारी प्रोसेस जैसे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम लोग लाइक ले लेते हैं कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं किस पे, P1 हमारी कोई प्रोसेस है, देन P2 प्रोसेस है, देन P3 प्रोसेस है, कई सारी हमारी प्रोसेस हैं। एक सेकेंड, ये वाइट कोड में आ रहा है, इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, कई सारी हमारी प्रोसेस हैं लाइक, है ना,
तो P3 प्रोसेस हैं, जैसे एक गाना बजाने की प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंटेड काम करने की प्रोसेस होगी, इतनी सारी क्या होगी प्रोसेसेस होंगी हमारी। तो इस केस में क्या हुआ, अब CPU को तो P1 पे भी काम करना है, P2 पे भी काम करना है, P3 पे भी काम करना है, सब पे काम करना है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से जब डेटा हमारा मेन मेमोरी में जाता है, तो ऐसा नहीं कि सारी प्रोसेस का डेटा इकट्ठा चला गया, ऐसा नहीं होगा। करंट में हमारा जो काम चल रहा है, मतलब P1 का कुछ पोर्शन इसमें चला जाएगा, P2 का कुछ पोर्शन इसमें चला जाएगा, P3 का कुछ पोर्शन इसमें चला जाएगा, ऐसे होगा। अब कुछ पोर्शन जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा और वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा पोर्शन आएगा, वो एग्जीक्यूट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे एग्जीक्यूट होना और उसका काम ख़त्म हो जाना, मतलब कि मेमोरी का आना और मेमोरी का जाना, तो यही हमारी चीज़ क्या करती है, मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है और मेमोरी का क्या हो रहा है, डी एलोकेशन हो रहा है। मतलब सेकेंडरी से क्या हो रहा है, मेन मेमोरी में कुछ पोर्शन आ रहा है जो प्रोसेस कर रहा है, देन वो प्रोसेस करके वहाँ से चला जा रहा है, जो चीज़ आई प्रोसेस की और चली गई, तो वो क्या हो गई, हमारी मेमोरी का एलोकेशन कहलाया और मेमोरी का डी एलोकेशन कहलाया। तो क्या हुआ, मेन मेमोरी के पास भले ही क्षमता कम थी, लेकिन उसने काम को प्रोसेस कराने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मतलब जो काम जरूरी का प्रोसेस होना था, वो P1 से भी उठा लिया, P2 से भी उठा लिया, P3 से भी उठा लिया। ऐसे हमारे सिस्टम में कितने भी अगर मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम कंटिन्यू रन कर भी रहे होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, हमारे आसानी से रन हो जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, अभी भी टाइम हो रहा है किसमें, CPU और मेन मेमोरी के बीच में कुछ टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में। तो इस केस में क्या होता है, मेन मेमोरी तक जो प्रोग्राम आया, मतलब P1 का कुछ प्रोग्राम आया, P2 का कुछ प्रोग्राम आया, P3 का कुछ प्रोग्राम आया, तो अब वो क्या करेगा, इन प्रोग्राम्स को क्या करेगा, वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा। वर्ड्स क्या होता है कि इन प्रोग्राम का एड्रेस देखेगा कि ये प्रोग्राम किस एड्रेस पे काम कर रहे हैं, उन एड्रेस को ये क्या करेगा, सेंड करेगा कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में P1 का पूरी डेटा नहीं जाएगा, P2 का पूरा डेटा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, सेक्शंस में डिवाइड होकर जाएगा, कि जो एग्जीक्यूशन टाइम के लिए ज़रूरी होगा वो डेटा कैश मेमोरी क्या करेगा, अपने में कैश कर लेगा, और वो क्या करेगा, CPU से उसे जल्दी से फटाफट रन करा देगा। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस जो सेक्शंस वाइज डिवाइड होके जाता है। ये पूरा मैनेजमेंट हमारा, जो मेमोरी मैनेजमेंट पूरा होता है, वो क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरा हमारा मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। तो ये हमारा पूरा सेकंड चैप्टर है, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। फिलहाल आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और जिसको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप रीप्ले करके ये वीडियो देख सकते हो, या मेरी वॉइस अगर ज़्यादा फास्ट लग रही है, तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है स्लो करने का, तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे ये जो वीडियोज़ हैं, मुझे थोड़ा फास्ट लेके चलनी होंगी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और टाइम थोड़ा कम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपन को मैनेज करके चलनी है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कि कैसे प्रोसेस रन होती है, कैसे कैश मेमोरी काम करती है, कैसे मेन मेमोरी काम करती है, कैसे सेकेंडरी मेमोरी काम करती है, और कैसे ये आपस में रिलेटेड होते हैं। ओके, चलिए, आपने वैसे तो कैश मेमोरी के बारे में समझ लिया है, तो कुछ इनकी डेफिनेशंस मैंने हिंदी में लेके रखी हैं। जो कैश मेमोरी होती है, आकार में बहुत छोटी होती है, क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम में, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए, व्हाट इज़ अ कैश मेमोरी। क्योंकि आपके अगर ट्रू फॉल्स को लेके चलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, तो क्वेश्चन काफ़ी घुमा के बनाते हैं। तो अगर मैं रटा दूंगी ये छोटी मेमोरी ऐसा है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपको ले, ठीक है, तो आप मतलब स्मार्ट स्टडी करना सीखो। अब चले गए वो दिन के पता चले रटली डेफिनेशन हो गया, नोट्स मत बनाओ, मैं नहीं कह रही हूँ नोट्स बनाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे क्या चीज़ काम कर रही है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आप बिदोगे। ओके, और कोई मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी ये रट लो, वो बुक रट लो, हाँ पढ़ो, उसका भी कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये लाइंस कुछ इसलिए लिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले बता दिया है, लेकिन आप थ्योरिकली भी समझ लो। ये विशेष प्रकार की एक मतलब इसकी मेमोरी की क्या होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, कैश मेमोरी की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये CPU से तेज गति का डेटा भी, मतलब CPU क्या करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट डेटा प्रोवाइड कराती है। एक्चुअली इसका काम क्या है, कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को CPU तक प्रोवाइड कराना। और ये काम किस किस के बीच में करती है, हमारे CPU के और मेन मेमोरी के मध्य में काम करती है। ठीक है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, और हो सके तो अगर नोट्स बना रहे हो तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको हेल्प होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्चुअल मेमोरी। मैं हेडिंग डालना भूल गई हूँ, तो आप इसको ये चीज़, ये देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है वर्चुअल मेमोरी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझें आप लोग। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है,
एक्चुअल में कंप्यूटर में आप जो भी प्रोसेस कर रहे होते हो, मतलब जो भी काम आप प्रोसेस में चल रहा होता है, वो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि आप वर्चुअल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में काम कर रहे होते हैं, मतलब कि रैम में काम कर रहे हो। आप जानते हो जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो सारा कहाँ कर रहे हो, रैम पे प्रोसेस कर रहे हो। जब तक कि आप उसे सेव ना कर दो सेकेंडरी मेमोरी में, तब तक डेटा क्या रहता है, रैम में प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, या रैम में सेव रहता है, जो कि परमानेंटली नहीं रहता है। ओके, तो अब क्या होता है, आपकी रैम की कुछ लिमिट होती है, जैसा कि मैंने बताया कि मेन मेमोरी एक लिमिटेड स्टोरेज होता है, मतलब 4 GB, 16 GB या जितने भी जीबी का आप रैम ले रहे हो, तो क्या होगा, उसकी एक फिक्स्ड मेमोरी होगी। तो फिक्स्ड मेमोरी होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी आप काफ़ी बड़ा डेटा रन कर रहे होते हैं, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, या काफ़ी आपने कई सारे मल्टी प्रोसेसिंग खोल दी कि पता चला रैम हमारी 4 GB की और डेटा आपने एक्सेस कर रहे हो 10 GB का या 12 GB का, या इससे बड़ा डेटा एक्सेस कर रहे हो, लेकिन आपने कभी सिस्टम में ये चीज़ महसूस नहीं की होगी कि हम कितना भी मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये महसूस नहीं किया होगा कि हमारा डेटा, मतलब लैपटॉप बोले सॉरी और स्टोरेज इज इनफ फिनिश्ड और व्हाटएवर, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इसके पीछे एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट होता है जो क्या कराता है हमारा, कि जब भी हमारी मेन मेमोरी की स्टोरेज पूरी फुल हो जाती है, तो वो क्या करता है कि सेकेंडरी स्टोरेज से अपनी मेमोरी को थोड़ा थोड़ा लेता है और जिसपे कि काम करता है, काम होने के बाद सेकेंडरी मेमोरी को उसकी मेमोरी वापस कर देता है। तो जब भी हमारे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में क्या होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है, तो उसका कुछ पोर्शन रिजर्व्ड होता है वर्चुअल मेमोरी के लिए, कि बाई चांस अगर मेन मेमोरी का डेटा पूरी तरह से मतलब भर जा रहा है, या मेन मेमोरी से ऊपर कोई डेटा एक्सेस कराना है, तो उस केस में हमारी वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसकी मैपिंग कैसे होती है कि आपने मेन मेमोरी पूरी फुल हो गई, अब अभी क्या है, हमारा कुछ काम बचा हुआ है, तो कुछ प्रोसेस जो बचा होगा वो क्या होगा कि वर्चुअल मेमोरी से, मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क में क्या होगा, कुछ डेटा सेव होगा, वो क्या होगा, हमारा हार्ड डिस्क से कुछ डेटा हमारा मेन मेमोरी में आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हो हार्ड डिस्क का कुछ जो डेटा था वो क्या हो गया, हमारा मेन मेमोरी में आ गया, जिससे क्या हुआ कि अब जो ये पेज 1-2 ये वाला जो डेटा है वो भी एक्सेस कर पा रहा है। तो मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज से कुछ डेटा कुछ टाइम के लिए प्रोसेस करने के लिए मेन मेमोरी में पहुंचा देता है, जिससे कि क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोसेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आराम से कंप्यूटर प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी से बड़ी होती है, ठीक है, मुख्य मेमोरी से बड़ी होती है, और वर्चुअल मेमोरी हमारी क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज की जाती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके का, ठीक है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो क्या कराता है, हमारा कुछ टाइम के लिए सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी प्रोवाइड कराता है मेन मेमोरी को, तब जिससे कि वो क्या कर सके, अपने डेटा को एक्सेस कर सके, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, जो कैश मेमोरी होती है उससे काफ़ी बड़ी होती है। वर्चुअल मेमोरी भी क्या होती है, एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पे मैप करने के लिए काम, मैपिंग स्ट्रक्चर की, इसमें क्या होता है, मैपिंग स्ट्रक्चर की आवश्यकता हो जाती है आपको, ठीक है, जैसे कि आप इसको समझ पाएँ कि क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमने बताया था पूरी तरीके से क्या होती है, हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब पूरी तरह से स्थिर मेमोरी है। एक बार आपने सेव कर दिया, तब तक कि आप डेटा डिलीट नहीं करोगे, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कहीं नहीं जाने वाला। जैसे आपको नीचे दिख रहा है चिप दिख रही है, सीडी दिख रही है, पेन ड्राइव दिख रही है, तो ये सारी हमारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। ओके, ये कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, यह स्थायी होता है, ठीक है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है, आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में आप जब भी डिलीट करना चाह रहे हो फाइल और फोल्डर को खोलकर देख सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, तो ये इसमें कोई भी चीज़ अपडेट करनी है या कुछ भी चीज़ करनी है तो आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी क्या है, इसके एग्जांपल है। तो आप इसको पैराग्राफ रीड कर लीजिए, क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्किप करती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था वो फ्लॉपी डिस्क ही इस्तेमाल किया था। ये एक तरह का गोल स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप स्ट्रक्चर हो जाता है ये हमारा, इस तरीके का, ठीक है,
ये गोल बनानी है। गोल गोल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कई सारे सेक्टर्स होते हैं और कई सारे ट्रैक्स होते हैं, मतलब गोल गोल कहाँ बना ऊपर बना दे रहे, ठीक है। ये ऐसा गोल स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या होगा, कई सारे अंदर ट्रैक्स होंगे इस तरह से गोल गोल, और ट्रैक्स में क्या होंगे, कई सारे सेक्टर्स होंगे, ठीक है। जो ये ट्रैक होता है इसमें से जो लास्ट ट्रैक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ट्रैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा इसमें लिखना मुश्किल होता है, इतनी मेरी गंदी राइटिंग नहीं इतनी आ रही है, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, जीरो ट्रैक होता है, जो लास्ट ट्रैक होता है। इसमें ये क्या होते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, ट्रैक्स में डिवाइड होते हैं, ओके। तो ये इस तरह से फ्लॉफी डिस्क हमारी दिखती है। ये क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, ओके। जिस पर क्या होता है, प्लास्टिक का कवर होता है, जिसे हम लोग जैकेट भी कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात आती है तो आपसे बेसिक बेसिक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आप पढ़ना जरूरी भी नहीं समझते हो, तो अपन को सब लेके चलना है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के बीच में क्या होता है, पॉइंट बना होता है, ठीक है, जिसे ड्राइव या जिसे क्या होती है डिस्क, उस पॉइंट से क्या कहती है, डिस्क ये घूमती है, ठीक है। इसी फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक्स होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में क्या होता है, 64 शब्द को स्टोर किया जाता है। जैसे मैंने बताया ये ट्रैक्स होते हैं, 80 ट्रैक होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में हम लोग 64 डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यह एक मैग्नेटिक टेप के समान होती है, मतलब मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट इसमें लगता है मैग्नेटिक टेप का। ये दो प्रकार की हमारी होती है, 5 complete 1/2 व्यास का मतलब होता है हमारा रेडियस, ठीक है, और 3 complete 1/2 रेडियस, ठीक है। ये इसका आविष्कार हुआ था 1967 में, ठीक है। और इसमें क्या होता था, हमारा जैकेट सुरक्षा के लिए जैकेट लगी होती थी, और स्टोरेज क्षमता हमारी कितनी होती थी, 360 KB से 2.44 MB तक इसकी स्टोरेज क्षमता होती थी। और 3 complete 1/2 ये भी फ्लॉफी डिस्क है, जिसका यूज़ सबसे पहले क्या होता है, एप्पल कंप्यूटर में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एप्पल आप जानते हो सबसे मोस्ट चलता है, ठीक है। तो ये एप्पल कंपनी में सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था, एप्पल कंप्यूटर में, जो कि पिछले फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा में छोटी होती थी, मतलब आकार में छोटी होती थी। और इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी, 310 KB से लेके 2.88 MB तक। तो आप देख सकते हो पहले जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी कितनी कम होती थी, ओके। अब जैसे जैसे हमारा अपग्रेडेशन आता गया, स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़ती गई, तो मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। इस तरह से ये गोल गोल सीडी टाइप की लगी रहती थी, कैसेट्स टाइप की, जो मैग्नेटिक टेप पे आधारित होती थी, ओके। इसमें क्या होता था, कुछ ट्रैक्स होते थे, स्पिंडल होता था जो बीच में सिलेंडर शेप पे पड़ा रहता था, जिससे कि ये सीडीज रोटेट करती थी। इसके ऊपर रीड करने के लिए हेड लगा रहता था। प्रत्येक सीडी में हमारे दो हेड लगे होते थे, ऊपर और नीचे, जो ये हेड क्या करते थे, जैसे सीडी घूमती थी राउंड राउंड तो उसको ये रीड करते थे और इसका डेटा रिप्रेजेंट करते थे। ये आम असेंबलर लगा है जिससे कि ये सारी सीरीज टिकी हुई होती थी, ओके। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को राइट रीराइट और एक्सेस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करता है, ओके। यह एक चुंबकीय कोटिंग के साथ कवर किया गया है, और ट्रैक सपोर्ट और सेक्टर्स के रूप में डेटा संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क हो गई, और जिप डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सब क्या हमारी मैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है, ओके। तो ऑप्टिकल डिस्क समझते हैं, मैग्नेटिक टेप समझ में आया, जो मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट रखता है, और जो ऑप्टिकल डिस्क होता है वो ऑप्टिकल कॉन्सेप्ट रखता है, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, लेज़र बीम्स डाली जाती हैं इस पर, लेज़र बीम्स के द्वारा इनका डेटा क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। ये हमारे दो प्रकार से होते हैं। लाइक अगर फर्स्ट हम लोग समझे तो सीडी कॉन्सेप्ट, सीडी आप लोगों ने समझा पता होगा, आपने सीडी सुना होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क करके इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या रहता है कि आपका डेटा सेव किया जाता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सीडी करीब 700 MB का डेटा सेव कर सकती है। ये भी आपको, ये डेटा मैं जो लिख रही हूँ ना उसको आपको याद करना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको डेटा पर्टिकुलर एग्जैक्ट याद करके चलना है। अगर आप रीड भी कर ले रहे हो तो आप जब ऑप्शंस देखोगे तो आप टिक कर लोगे। तो आप इस क्लास को एकदम परफेक्टली देखिए, हो सके तो नोट्स भी बनाइए, थोड़ा सा रिविज़न की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, ओके। ये सीडी हमारी होती है वो तीन प्रकार की होती हैं, सीडी रोम, सीडी वॉर्म, सीडी रिराइटेबल। सीडी रोम क्या होती है, सीडी रीड ओनली मेमोरी। आप समझ गया होगे कि ऐसी सीडी जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा ओनली पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकते, ओके। लाइक एग्जांपल अगर ले लें, आप कोई मूवी की कैसेट खरीद के लाते हो तो मूवी ओनली देख पाते हो ना, उसमें कुछ कर नहीं पाते हो ना, तो वो हमारी क्या होगी, सीडी रोम हो गई। सीडी वॉर्म क्या हो गया, राइट इसका ओ सॉरी वॉर्म में ये ओ होता है, ओके, जे ए बन गया, ओ होता है यहाँ पे,
ठीक है। सीडी फॉर्म में क्या होता है कि क्या कर सकते हो आप, राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार आप लिख सकते हो उसके बाद आप कभी भी पढ़ सकते हो। लाइक अगर आप 10 रुपए की, जैसे पहले कैसेट्स की आती थी, 10 रुपए की आ जाती थी, खरीद ली, उसमें गाने सेव कर लिए, बहुत सारे रिकॉर्ड कर लिए, गाने रख लिए, उसके बाद आप हमेशा उसे सुन सकते हो। या ये एग्जांपल नहीं, अगर आप लो तो शादी की कैसेट देख लो, खाली कैसेट होती है, उसमें क्या होती है, शादी की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद आप लाइफ टाइम उसे देखते रहते हो। तो वो क्या होगा, रीड राइट वंस रीड मैनी करके हो गया। ओके, राइट वंस रीड मैनी, फुल फॉर्म आप याद करिए, राइट वंस रीड मैनी। ओके, नेक्स्ट ये मैं फुल फॉर्म के रूप में आपको याद करा दूंगी, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट हमारा सीडी रीराइटेबल, मतलब ऐसी सीडी जो आप मार्केट से खरीद के आए, बार बार उसमें आप डेटा डाल सकते हो, बार बार उससे डेटा आप डिलीट कर सकते हो, मतलब ये क्या हो गया, एक्सेसिबल सीडी हो गई, जिसमें आप डेटा बार बार अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अपनी मर्जी का कुछ भी कर पा रहे हो, तो ये हमारी क्या होगी, सीडी रीराइटेबल। नेक्स्ट हमारा है डीवीडी, मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, अभी तक जो भी सीरीज आई थी, सबसे ज़्यादा डेटा हमारा स्टोर होता था डीवीडी में। तो डीवीडी हमारी क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आता है, मैं आपको फुल फॉर्म के रूप में भी इसको याद करा दूंगी, बाकी आप इसको पढ़ के रखिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रट लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है हमारा, एक तरह का सीडी ही होता है, सीडी के मुकाबले ये क्या होता है, डीवीडी हमारा ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेती है, मतलब डीवीडी में यूज़र करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब कितना ज़्यादा हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लू रे डिस्क, ये सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क ऑलमोस्ट सेम होती है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ब्लू रे डिस्क HD वीडियो या अधिक डेटा स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साधारण लेयर वाली डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा और डबल लेयर वाली डीवीडी में 8.5 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है, जबकि ब्लू रे में क्या होता है 25 GB और जो सिंगल उसकी लेयर होगी उसमें 25 GB डेटा और डबल लेयर वाले में क्या होता है 50 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा का डिफरेंस है, बाकी आपका ये तीनों सेम ही रहते हैं, मतलब ऑप्टिकल पे डिपेंड करते हैं, मतलब लेज़र बीम के द्वारा ये क्या किया जाते हैं, रीड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव आप लोगों ने ये देखा होगा, पेन ड्राइव जिसे भी कहते हैं, आपके कंप्यूटर में टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी फ्लैश ड्राइव, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, पेन ड्राइव को ही हम लोग फ्लैश ड्राइव कहते हैं। देखो उसमें लिखा है ना, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा इसमें स्टोरेज होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है, कंप्यूटर में अलग से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब ये पकड़ने में हल्की होती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टोर डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। जो फ्लैश ड्राइव होती है वो क्या होता है, पायरेट सर्किट बोर्ड होता है, जो प्लास्टिक या किसी धातु का बना होता है, इसलिए मजबूत भी होता है। ये प्लग एंड प्ले उपकरण है, ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछ लेते हैं, प्लग एंड प्ले, ये कैसा उपकरण है, प्लग एंड प्ले है। ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टम में बाहर से लगाते हैं, ये इतनी छोटी होती है, इसका खोने का डर बड़ा रहता है कि आप पेन ड्राइव कहीं भी आप रखे छोड़ दे रहे हो तो ये चली जा रही, तो इसको संभाल के थोड़ा सा रखना पड़ता है, इसी रीज़न की वजह से इसमें क्या रहता है, एक होल टाइप का रहता है जिसमें कि आप अपना की रिंग वगैरह लगा सकते हो। बाकी ये कैसी 2 GB में आती है, 4 GB में आती है, 8 GB में, 16 GB में, 32 GB में, 64 GB में, जितना ज़्यादा आप मेमोरी का खरीदोगे उस हिसाब से इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मेमोरी से रिलेटेड, जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, अगर सारा मैं ही कराती रहूँगी तो आप लोग कोई काम नहीं करने वाले, तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए आपको खुद से करो। विच टाइप ऑफ मेमोरी नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, किस प्रकार की मेमोरी होती है जो अगेन एंड अगेन आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट आपका है हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉफी डिस्क कुड स्टोर, कितना डेटा स्टोर कर सकती है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसी क्लास में। मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, किस लिए पॉपुलर होता है, इन चारों में से आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका है द प्रोग्राम विच आर परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन द रोम इज नोन एज, इसमें से कौन सा प्रोग्राम है बताइए इसको। द कॉम्पैक्ट डिस्क CD किसने इन्वेंट किए, ये थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च करो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन इस क्लास को अच्छे से पढ़ रहा है। ओके, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल्ड टाइपली द इंक्वायरमेंट, इसका आपको आंसर देना है। थोड़ा मेरा गला दिक्कत हो गया, काफ़ी लंबी क्लास हो गई आज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल,
और जो भी इस चैनल से रिलेटेड आप एडवाइस देना चाहते हो या कुछ मैं और ऐड कर सकती हूँ, या आपकी जो भी चीज़ें, आपको जो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है टॉपिक वाइज या कैसे भी, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सीखना है, मैं अलग से भी क्लासेस डाल सकती हूँ ट्रिपल सी के अलावा, तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर द क्लास, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कंटिन्यूअस सिलेबस, और अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो नहीं आता है मुझसे आप पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में डाल के, मैं इस वीडियोज़ को ला के आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। थैंक यू।